गर्मी आ गई, गर्म हो गया। गाली वाली मत ठीक है। सलामी मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं। आपने दिसंबर 1986 में सेकंड लॉन्सर्स में कमीशन प्राप्त किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने फर्स्ट हॉर्स नामक आर्मर्ड रेजिमेंट, T-90 टैंक से लैस एक आर्मर्ड ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और पश्चिमी मोर्चे पर देश की प्रतिष्ठित स्ट्राइक फोर्स की सशक्त कमान संभाली। इस कमांड प्रोफाइल असाइनमेंट के फलस्वरूप जनरल ऑफिसर को मिलिटाइज ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तक का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त है। अपने 35 वर्षों के अनुकरणीय सैन्य सेवा काल में आपने कमान के डीजीएस ऑपरेशंस के साथ साथ सेना मुख्यालय में परस्पेक्टिव प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, क्षमता विकास एवं आत्मनिर्भरता में 2 महत्वपूर्ण वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों सहित कई अहम स्टाफ व कमान पदों को सुशोभित किया।
आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला में असिस्टेंट एडजुटेंट स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर में कर्नल अनुदेशक के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन अंगोला में ऑपरेशंस ऑफिसर का भी कार्यभार संभाला। अपने कैरियर के दौरान आपका आर्मी कोर्सेज में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आपने यंग ऑफिसर्स जूनियर कमांड कोर्स और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स वेलिंगटन में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का सम्मान पाया। आपने पेरिस फ्रांस में प्रतिष्ठित कमांड जनरल स्टाफ कोर्स हायर कमांड राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा अधिग्रहण प्रबंधन पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया है। देवियों सज्जनों, स्ट्राइक कोर की सफल कमान के बाद अगस्त 2022 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया के पद पर पदासीन है। इन्हीं के ठीक पीछे परेड ऑफ कमांडर मेजर जनरल भुवनेश कुमार विशिष्ट सेवा में आ रहे हैं। मेजर जनरल भुवनेश कुमार 16 दिसंबर 1979 को पैराशूट रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में कमीशन हुए। अपने 3 दशकों के विस्तृत सेवा काल में जनरल ऑफिसर को सभी क्षेत्रों में ऑपरेशनल अनुभव रहा है। इनमें उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, सीआरजी में उच्च गुप्तता क्षेत्र